बस ब्लिंक ना करे, गर्मी लग गई इसको, बिल्कुल बंद हो गया। ये कहाँ से चालू होता है? देखो ये बिल्कुल बंद करके दोबारा चालू करेंगे, पता लगा कतई खत्म हो जाएगा। यहाँ से बंद करो, ऐसा ही माहौल जब मैं आपके फर्स्ट टाइम पे जब ले रहा था तब था, तब मैंने गुस्से में तभी छोड़ दिया था। रोज नई नई नौटंकी, ठीक है। उस टाइम पे तो अजीब ही था, बोर्ड यहाँ और उसका इसका प्रोजेक्टर का फोकस था वहाँ, तो यूट्यूब वालों को ऐसा दिखता था आपका लंबे से तरछे में, तो ना कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, ये लगता था हाँ कुछ पुतले खड़े हुए हैं सामने, ठीक है। जो आपको ऑडियो में चल रहा था देखा होगा आपने, प्रोजेक्टर कहाँ चला था और आपका वो कहाँ चलता था, तो सामने पढ़ रहा हमको तो ठीक समझ में आता था, यूट्यूब वाले कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, स्पेशली जो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे उनके लिए। जैसे मेरा हमेशा प्रोजेक्टर से पढ़ाना रहता है, पीपीटी से पढ़ाता हूँ ऑलवेज में, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाई मैंने तब भी, साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ अब भी, करंट अफेयर में भी। चलिए देखिए, एक आपके दलाई लामा का नाम सुना है आपने? कौन है ये, कौन है दलाई लामा? ठीक, इंडिया के ऊपर आपका एक रीजन हुआ करता था, यानी हमारे इंडिया का इस वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ, मैं कुछ जाना पहचाना लग रहा है पक्का? ये आपका कश्मीर रीजन रहा और ये रहा तिब्बत, इसको तिबेट बोलते थे, पहले स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था 1914 से पहले, या कह सकते हैं चाइना की सुजरेंटी थी। सुजरेंटी का मतलब होता है नॉमिनल, चाइना का केवल नाम का। ये ब्रिटिश इंडिया से इसके अच्छे कॉन्टेक्ट थे। ये आपका नेपाल रहा इधर वाला रीजन, और ये भूटान, और ये पूरा तिब्बत रहा आपका, ये यहाँ तक। इसमें क्या था, इसमें स्वतंत्र शासन नहीं था। मैंने थोड़ी देर पहले एक टर्म बताई थी आपको, थियोक्रेसी। क्या होती है? धर्मगुरु द्वारा शासन, इसको कह सकते धर्मतंत्र या फिर धर्मशाही। तो यहाँ के जो रिलीजियस हेड है उनका नाम है दलाई लामा, यानी कोई पर्सन होगा यहाँ पर उसको दलाई लामा बोला जाता है। जैसे फोटो आपको दिखाऊंगा आगे है ये, ठीक, ये 14वें दलाई लामा है। तो दलाई लामा एक पदवी है किसकी? तिब्बत में आपके जो धर्म माना जाता है वो कौन सा है, कौन सा धर्म है? बुद्धिस्ट। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक। तो यहाँ के जो आपके जो पदवी है, जो यहाँ के धर्मगुरु हैं, जो सर्वोच्च धर्मगुरु आपके तिब्बती बौद्धों के, उनको बोलते हैं दलाई लामा। आपका कुछ भी नाम सही, आप एक बार दलाई लामा की पदवी प्राप्त कर ली तो आपका नाम क्या हो गया? तो नंबर के हिसाब से ही 14th दलाई लामा, 14वें नंबर के हैं, ठीक। अब जो 14वें दलाई लामा है, यहां पर देखिए, जो तिब्बती बौद्ध है वो अपने यहाँ पर चार प्रकार के सेक्ट मानते हैं, यानी चार स्कूल हैं उनके। स्कूल मतलब आपके अलग अलग ब्रांचेस, जैसे हिंदू धर्म में पहले हुआ करती थी सनातन धर्म में वैष्णव और शैव, एक शाक्त धर्म हुआ करता था, एक शक्ति धर्म हुआ करता था, यानी यहाँ पर देवियों को मानते थे, बाद में सब मिलकर एक होगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर चार स्कूल है, चार स्कूल मतलब अलग अलग सेक्ट है, मतलब जो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म के। तो इनमें पहला है निंगमा, दूसरा है साक्य, फिर है कागयू, और उसके बाद है गेलुग। अब ये क्या करते हैं, हर स्कूल अपने हेड को, याद रखिए, अपने हेड को चुनता है, यानी यहां पर धर्म गुरु को भी चुना जाता है, लेकिन एक बार जो चुन लिया वो आजन्म रहेगा मृत्यु पर्यंत, बात समझ में आ गई। और वो उसको बोलते हैं अवतार। क्या बोलते हैं? अवतार। कैसे चुनेंगे? अपने यहाँ पर सारे बच्चों को देखते रहते हैं, जैसे दलाई लामा 14th वाले अभी बहुत बूढ़े हो चुके,
इनका देहावसान होना ही होना है, ठीक, ऑब्वियसली हमारे जर अमर तो कोई है ही नहीं, ठीक। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट दलाई लामा को चुनेंगे, तो चुनेंगे कैसे, जितने भी यहां पर मानने वाले हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बच्चों को देखते रहते हैं, उनमें कुछ क्वालिटी दिखती है बच्चे में, वो इंटेलिजेंट होता है, संस्कृति को साथ लेके चलता है, बचपन में ही चुन लेते हैं, उन्हीं में से एक बच्चे को आपका सेलेक्ट कर लिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये नए अवतार हैं दलाई लामा के रूप में, और पुराने वाले दलाई लामा का देहावसान हुआ तुरंत उनके लिए नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई। अब जो दलाई लामा वो सबसे बड़ा पद है, लेकिन चार स्कूल उससे छोटे वाले हैं, ध्यान दीजिए, दलाई लामा सबसे बड़ा, सारे जितने तिब्बती स्कूल हैं, जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सबके सबसे बड़े हैं, इनके अपने भी चुने जाते हैं। तो जब तक तिब्बत स्वतंत्र था तब तक ये प्रक्रिया स्वतंत्र हुआ करती थी, यानी तिब्बती जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वही चुना करते थे अपने हर स्कूल के प्रिंसिपल के हेड को, हर प्रिंसिपल यानी अपने सेक्ट के हेड को। लेकिन जब से चाइना ने आपका आधिपत्य किया है, चाइना ने 1948 में आपका अटैक किया था तिब्बत पर, वो फाइनली 58 तक आते आते उसने टोटली क्या कर लिया, तिब्बत को पूरी तरह अधिकृत कर लिया। अब वहाँ के जो शासन था जिसको धर्मशाही कहते, दलाई लामा वहाँ के सरकार के भी हेड थे, तिब्बती सरकार के, वो इंडिया में चले आए और इंडिया ने उनको दी शरण 1958 में। और जितने तिब्बती थे वो मोस्टली कहाँ के बसे, वो बसे थे धर्मशाला में, अग्रवाल धर्मशाला नहीं, ठीक, हिमाचल में एक आपका शहर है धर्मशाला, ठीक, वहाँ आकर रुके। तो आज की डेट में धर्मशाला के लिए बोला जाता है मिनी तिब्बत, जिधर जाओगे आप उधर ही एरिया में तिब्बती दिखेंगे। बरेली में है तिब्बती, कहाँ पर, यस, जो मार्केट है जिसको आप नेपाली मार्केट, पहाड़ी मार्केट और ये मार्केट वो मार्केट बोलते हो, बेसिकली वो क्या है, वो तिब्बती मार्केट है, वो वहीं से आते हैं व्यापार करने के लिए। अब इंडिया में जितने लोग जो रहते हैं, अब जो दलाई लामा है उनकी निर्वासित सरकार भी इंडिया में चलती है, निर्वासित सरकार मतलब मंत्री संतरी सब है लेकिन नाम के है, क्योंकि जब आपके देश पे ही शासन नहीं तो सरकार किस काम की, लेकिन अपना कब्जा तो नहीं छोड़ते ना, ठीक, जैसे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लेकिन अफगानिस्तान में राके जाके राजा महेंद्र ने जाके भारत सरकार की पहली निर्वासित सरकार बनाई, बोले यही सरकार है, भारत आजाद हुआ तो हम इसी सरकार को मानेंगे, बोले यही सरकार जाके भारत पे शासन करने लगेगी, ऐसी आपके सुभाष चंद्र बोस ने चलाई थी, ठीक, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पर, निर्वासन में सिंगापुर में, पढ़ी थी कि नहीं आप लोगों ने, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, देखिए अब ये न्यूज में क्यों है, चाइना ने जब कब्जा किया तो इनकी जो जो अवतार लेने की जो प्रक्रिया थी, दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया और अपने सेक्ट के हर एक को रिनपोचे को चुनने की प्रक्रिया, इसको रिनपोचे बोलते हैं इनके हेड के लिए, इनको चुनने की प्रक्रिया में स्वतंत्र है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं। अब वो स्वतंत्र है तो जाहिर सी बात है चाइना के अगेंस्ट होगा, क्योंकि चाइना ने उनकी मातृभूमि पर कब्जा कर रखा है, तो चाइना इनके चुनाव में इंटरफेयर कर रहा है, चाहता है हमारी पसंद के दलाई लामा बने अगली बार जो चीन का फेवर करें। बात समझ में आ गई। ऐसे ही वो चाहता है कि इनके रिनपोचे भी कैसे चुने जाएं, चाइना के पिट्ठू चुने जाएं। तो कई सारे सेक्ट ने क्या कर दिया, कह दिया कि अब इसके बाद कोई अवतार नहीं लेगा, यानी ये पद ही खत्म। उसी तरह जैसे किसकी तरह, सिख धर्मगुरु के धर्मगुरुओं की तरह, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की पदवी खत्म कर दी और कह दिया गुरु ग्रंथ साहिब ही अगली बार क्या होंगे, अब गुरु होंगे, दसवें गुरु के बाद कोई ग्यारहवां गुरु नहीं होगा। ऐसे इनने घोषणा की थी, ऐसे दलाई लामा ने घोषणा की, क्योंकि डर यह है कि अगले वाले दलाई लामा के लिए चाइना हो सकता है मान्यता ना दे, कोई अपना आपका नकली दलाई लामा बिठा दे तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा। पसंद आ गई। लेकिन नया डेवलपमेंट यह है कि चारों सेक्ट में से एक सेक्ट ने, कौन सी ने, जो निगमा आपका सेक्ट है, ठीक, जो निगमा आपका संप्रदाय है, कौन सा वाला, सबसे पहले वाला इंगमा, इसने क्या कर लिया, अपने रिनपोचे को चुन लिया है। इसका मतलब है कि घोषणा के बाद ही पलटने लगे। अब हो सकता है कि इनके देखा देखी आपके बाकी आपके जो अलग तीन हैं वो भी चुने और अगले दलाई लामा की भी घोषणा हो जाए, ठीक। तो लिखिए आगे, लिखिए ताकुलुंग सेत्रुंग रिनपोचे, ताकुलुंग सेत्रुंग रिनपोचे,
लिखिए, यह निगमा संप्रदाय के, ये निगमा संप्रदाय के तिब्बती लामा थे। ही वॉज ए तिबेतन लामा ऑफ निगमा सेक्ट। पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिंपली इतने शब्दों में लिख लीजिए। ही वॉज ए तिबेतन लामा ऑफ निगमा सेक्ट। यह निगमा संप्रदाय के तिब्बती लामा थे। अब थे नहीं, थे, ठीक, कब से कब तक? 1926 से लेकर 2015 तक, यानी पिछले 7 सालों में कोई आपका इसका ऋण पहुंचे नहीं रहा, तिब्बती लामा नहीं रहा। किसका? निगमा सेक्ट का। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने घोषणा कर दी इसके बाद कोई अवतरित नहीं होगा, तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब रिसेंटली खबर क्या है आपका? रिसेंटली खबर यह है कि आपके हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली से एक लड़के को चुना गया है, जिसको क्या माना गया है? ही इज री इनकारनेशन ऑफ ताकलुंग सेत्रुंग रिनपोचे और विल बी इलेक्टेड एज सुप्रीम हेड ऑफ निगमा सेट। यानी इस लड़के को ये माना जा रहा है कि वो रिनपोचे का अवतार है, पुनर्अवतार है। इनकारनेशन मतलब पुनर्अवतार, अवतार है, और अब इसको क्या मान लिया जाएगा? निगमा हेड का, निगमा संप्रदाय का अगला हेड मान लिया जाएगा, अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। बात क्लियर? 7 साल रहने की। इसका मतलब है कि तिब्बती जो बौद्ध है वो किसमें आपके विश्वास करते हैं? अवतारवाद में करते हैं या नहीं? ऑब्वियसली, तभी तो अवतार मान रहे हैं कि पुराने वाले रिनपोचे थे, नए वाले आपके नए फॉर्म में आ गए, उन्होंने दोबारा अवतार ले लिया है, ठीक, मॉडर्न तरीके से। लिखो आगे, लिखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी से एक लड़के को रिनपोचे का अवतार घोषित किया गया है। रिसेंटली ए बॉय फ्रॉम स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आइडेंटिफाइड एज री इनकारनेशन ऑफ रिनपोचे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी से एक लड़के को रिनपोचे का अवतार घोषित किया गया है, जो निगमा संप्रदाय का अगला प्रमुख होगा। हू विल बी सुप्रीम हेड ऑफ द निगमा स्कूल, सुप्रीम हेड ऑफ द निगमा स्कूल, ठीक। अगला देखिए, अब स्कूल क्या है? तिवेतन धर्म है, आपके तिवेतन बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन कौन से? तो नीचे नोट डाल के लिखिए, नोट, देर आर 4 major और 4 principal स्कूल इन तिवेतन बुद्धिस्ट। तिब्बती बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। कौन कौन से लिख दो, ये कैसा है? ये सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। चारों के नाम लिख दो, इंगमा, 8th century, साक्य, सक्या, डेट 73, कागयू 1125, गेलुग। कोई दुनिया में ऐसा धर्म नहीं है जहां पर वर्ण भेद नहीं है,
जहां पर अलग अलग तरीके से विविधताएं मौजूद नहीं है। क्रिश्चियन समय में भी आपका रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे। मुस्लिम समय भी सिया सुन्नी देवबंदी बहावी तुर्क बहुत सारे। हिंदू धर्म में भी सेम, बस यहाँ पर उनका नाम कास्ट है, हमने उसका नाम यहाँ पर जाति रख दिया। तो हर धर्म में है ऐसा, इवन बौद्ध धर्म जो आपके समानता के आधार पर शुरू किया गया उसमें भी आपके भगवान बुद्ध के जाते ही दो वर्गों में बट गया, कौन कौन सा? महायान और हिंदू, और आज के डेट में तो असंख्य है। सिख धर्म जो समानता के आधार पर शुरू हुआ, अब वो भी नीली पगड़ी वाले और केसरिया पगड़ी वाले उसमें बटा हुआ है तगड़े से। तो सब में ये भेदभाव है, बस इंसान क्या करे कि आपसी भेदभाव ना रखे, पहचान भले अलग हो लेकिन आपसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिख लिया, ये फोर मेजर स्कूल्स हैं, निगमा साक्य और कागयू और गेलुक। सबसे पुराना कौन सा है? निगमा। ठीक, अगला अगला है कथाकार। सभी लोग जानते हैं कथाकार कौन होते हैं? नहीं जानते क्या? जो कथा सुनाते हैं ऑब्वियसली भाई तो कथाकार हैं। तो कथा कैसा, आपकी जो ट्रेडिशन है वो कैसा है, लिखित में है या मौखिक है? मौखिक है। अब किताबें मिलने लगी हैं, वरना पहले क्या था, जो कथाकार हुआ करते थे वो सारे ग्रंथ आपके जो स्रोत चाहे श्लोक हो चाहे वो कथाएं हो वो सारे के सारे ओरली सुनाते थे, मैं गाजे बाजे के, ठीक, बजाने बजाने के साथ साथ अपनी पूरी भजन मंडली साथ लेके चलते थे भाई। तो बाल आपके उसी, ये आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ? एक आपका आंदोलन हुआ था जिसको बोला गया भक्ति आंदोलन, पढ़ा है ना? हाँ। उसके बाद ही फिर आपका देखा गांव-गांव में, पहले आपके मोहल्ले मोहल्ले में आपके भजन मंडली हुआ करती थी, माह के महीने में विशेषकर आपके भजन वगैरह गाए जाते थे। आज के डेट में तो टीवी ने सब खत्म कर लिया ये, ठीक है, तो पहले ये सब हुआ करते थे। तो ऐसे कथाकार होते थे, आज के डेट में उसी को धार्मिक रंग दे दिया, मतलब धार्मिक स्वरूप में चल रहे हैं वो। रामायण है उसका पाठ कराएंगे तो वो भी कथाकार एक तरीके से, ठीक, कहते नहीं कथा करा रहे, तो कथा के बाद भोज होता है, उसके बाद दावत की जाती है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो, उसने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कथाकार। अब इसमें क्या है, अलग अलग क्षेत्र के जो कथाएं हैं उनका वाचन होता है आपके एक जगह बैठकर आयोजन होता है। तो अब जो नया एडिशन है वो कौन से नंबर का है? 15th एडिशन का। और आपको याद होगा इस समय चल रहा है आपका आजादी का अमृत महोत्सव, किसके उपलक्ष्य में? हाँ, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में, ठीक। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे विशेष प्रकार के सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत कथाकार का आपका 15वां एडिशन लॉन्च हुआ है, ठीक। अब ये क्या है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, याद रखिएगा बस, ठीक। कहाँ पर चल रहा है ये, अब देखिए, वेन्यू है सुंदर नर्सरी। इसमें कौन कौन आ रहा है? अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ पर है ये है कर्तव्य पथ भाई, कर्तव्य पथ कहाँ पर है भाई? राजपथ पुराना वाला, ठीक, उसी का नाम कर्तव्य पथ हो गया, दिल्ली वाला, ठीक। तो वहाँ पर 15वां एडिशन लॉन्च हुआ है, बस इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, कौन सा एडिशन ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, और कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है ये जानना जरूरी है। तो लिख लो फटाफट से, लिखो कथाकार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कथाकार का 15वां संस्करण आयोजित किया जाने वाला है, आयोजित किया जा रहा है।
आयोजित किया जाएगा। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कथाकार का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह सांस्कृतिक मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से संपन्न होगा। ठीक है, अब जो स्टोरी टेलिंग है वो इंडिया का अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। अब इसी से समझ लीजिए कि इंडिया में बहुत सारे प्रकार की रामायण मिलती हैं। सुना है कि नहीं? हाँ, अलग अलग रीजन में अलग है। उड़िया रामायण अलग है, तमिल रामायण अलग है। मूल थीम वही है, बस पात्र बदल गए थोड़े बहुत। कुछ पात्र का एडिशन हो गया है, कुछ आपकी कथा का तरीका बताने का डिफरेंट हो गया। जो मूल है, करेक्टर है, राम लक्ष्मण भरत सीता दशरथ, बहुत सारे पार्ट वही है, रावण भी वही है, बस सहयोगी पात्र बदल जाते हैं। ठीक, अब ये भी कथा का मूल स्वरूप है। इसके अलावा कृष्ण जी, कृष्ण के बारे में यही मूल कथा में वही है। किसी रीजन में राधा है तो कहीं पर रुक्मणी है तो कहीं पर कोई और है। ठीक, इनके साथ ही बहुत सारे एसोसिएटेड पात्र हैं। तो कई सारे प्रकार की कथाओं का इंडिया में चलन है। ट्रेडिशनल आपके तरीके से ट्राइबल एरिया में अलग अलग कथाएं हैं, उनके अलग लोकल आपके देवी देवता हैं तो उनकी कथाएं अलग तरीके से हैं। ठीक, बंगाल में दुर्गा से रिलेटेड कथाएं बहुत हैं। तो ये सब स्टोरी टेलिंग का तरीका है। तो उनको एक मंच पर लाने के लिए, दुनिया के सामने पेश करने के लिए, कथा जो लुप्त हो रही उसको बचाने के लिए कथाकार का एडिशन चलाया गया। अब एक आपके व्यक्ति थे जिनका आप जो एक क्या नाम है, एक फेस्ट था आयोजित किया जिसका नाम था गोमक्कड़ नारायण ट्रेवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल। कब लॉन्च हुआ था? 2010। बस यही इसकी जड़ है, जहां से इसकी लॉन्चिंग हुई थी, यहां से शुरुआत हुई थी। ठीक, लिखिए। कथाकार भारत की स्थानीय कथाओं को मंच देने का एक माध्यम है, मौखिक कहानियों को मंच देने का माध्यम है। कथाकार इज द स्टेज टू सेलिब्रेट इंडियाज ओरल स्टोरी टेलिंग। मौखिक कथाओं को मंच देने का माध्यम है। यह घुमक्कड़ नारायण ट्रेवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल, घुमक्कड़ नारायण साहित्यिक मंच के अंतर्गत 2010 में शुरू किया गया। घुमक्कड़ नारायण ट्रैवलिंग फेस्टिवल मंच, ठीक है। कब से कब तक है? देखो, नवंबर 26, नवंबर 27, नवंबर 28, ये आपका बीत चुका है। इसमें आपके अलग अलग तरीके से, अब इसमें होता क्या है, शुरुआत में लोकल लेवल का था, बाद में इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें बुलाए जाने लगे। तो इस बार ग्रीक स्टोरी टेलिंग भी हुई है। ग्रीक स्टोरी टेलिंग मतलब आज की डेट में जो ग्रीस है, यूनान है, वहाँ के, तो वहाँ के कलाकार भी आए थे। गौर से देख सकते हैं, इंडिया का तो नहीं लग रही लड़की है। लग रही क्या? हाँ, वो क्लियर ही नहीं है। ग्रीस आपके कोई आपकी कथाकार होगी, आपको वो आई थी। इसके अलावा कोरियन टेल्स हैं, वो भी एक लेकर आई। डंकी और कैमल की कथाएं तो वो भी आई थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। तो अलग अलग प्रकार की, यानी जो अलग अलग पूरे वर्ल्ड लेवल के जो कथाकार जो कथाएं हैं उनके लिए मंच अवेलेबल किया गया। ठीक, अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिसमें क्या मिलता है, आपका एक 25 लाख प्राइज मिलता है, साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में ये एनुअली दिया जाता है,
हर साल पर। कौन देता है? एक ट्रस्ट बना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। किसको दिया जाता है? जो तीन फील्ड में से किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। तीन फील्ड कौन कौन से? शांति यानी वैश्विक शांति, वर्ल्ड पीस। दूसरा आपका डिसआर्मामेंट, जो हथियारों को प्रोत्साहित ना करके हतोत्साहित करते हो, ठीक। उसके अलावा डेवलपमेंट और विकास, यानी निशस्त्रीकरण, शांति और साथ में विकास। इन तीन फील्ड से संबंधित कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी संस्था जो विशेष तौर पर काम करती है इनके लिए, तो उनमें से हर साल इसको पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंडिया से आपके ज्यादातर ये विदेशियों को या किसी एनजीओ को दिया जाता है, विदेशियों को भी दे सकते हैं इसके लिए। बात क्लियर? तो लिखिए इसमें। अब इसमें कहा, एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, काफी नॉन एनजीओ है, जितने भी आपके भारत में जितने बेसिक के स्कूल्स हैं 1 से 5 तक, प्राइवेट सरकारी सब, उनमें हर साल एक आपकी रिपोर्टिंग की जाती है। जो लोग बीएड और आपकी बीटीसी करते हैं उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है ये काम। तो वो रिपोर्ट क्या होती है? आपके एक आपका पेपर बना के दिया जाता है बच्चों को हल करने के लिए, और बच्चों से क्या करवाते हैं फिर ओएमआर सीट भरवाई जाती है टीचर्स के सहयोग से, और हर जिले स्तर पर होता है, ये जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इस तरीके से। तो इस रिपोर्ट को बोला जाता है असर रिपोर्ट, असर का सर्वे बोला जाता है इसके लिए। इसका मतलब है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल, कब से? 2005 से। ये क्या मापता है? ये मापता है बच्चों के मेंटल लेवल को, सीखने की प्रक्रिया को, अधिगम को, लिसनिंग एबिलिटी को, कितना सीखे और कितना आपका जागरूकता जरूरत है। इसी सर्वे के द्वारा बाद में योजनाएं बनाई जाती हैं कि बच्चों के लिए क्या लागू किया जाना चाहिए, बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा कमजोर है। इसी सर्वे के द्वारा पता लगता है कि भारत में जो मैथ की एबिलिटी है वो घट रही है, यानी मैथ्स में लगातार भारतीय कमजोर होते जा रहे हैं। इसी के द्वारा पता लग रहा है कि भारत में लोगों को रटाने की विद्या ज़्यादा चलाई जा रही है, सिखाया कम जा रहा है। ये सब इसी की रिपोर्ट से सर्वे सामने आता है। तो ये आपका जो एनजीओ है प्रथम, 2005 से लगातार काम कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हो। किसमें काम कर रहा है अभी? डेवलपमेंट और पीस के अंतर्गत कर सकते हैं इसके लिए, ठीक। तो उस फील्ड के अंतर्गत इसको प्रथम के लिए दिया गया है इस बार का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो लिखिए इसमें 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रथम नामक गैर सरकारी संगठन को दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्डेड टू प्रथम एनजीओ। कौची इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये आपका शुरू हुआ था मेरे ख्याल 2005 या समथिंग, कुछ ऐसी डेट है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लिखिए अगला। दो हजार इक्कीस का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रथम नामक गैर सरकारी संगठन को दिया गया है। गैर सरकारी संगठन कौन से होते हैं? एक अंतर सरकारी संगठन होते हैं और एक गैर सरकारी संगठन होते हैं, और ये बहुत सारे संगठन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जागरूक लोग एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पर काम करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के फंड भी रिसीव करते हैं, इवन सरकार भी इनको फंड कर सकती है, लेकिन इनकी फंक्शन को गवर्न नहीं कर सकती, यानी कामकाज में सरकार का रोल नहीं होगा, लेकिन क्या करेगी? फंडिंग कर सकती है। बात समझ? जैसे प्रथम के लिए फंडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक। जैसे एमनेस्टी, आपने नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, नाम सुना है कि नहीं? इंडिया में बोरियर स्तर उसका बन चुका है फिलहाल, एमनेस्टी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो मानवाधिकार के क्षेत्रों में काम करता था। तो भारत में एमनेस्टी के ऊपर आरोप लगा आतंकियों के सिंपेथाइजर के तौर पर,
जब एक व्यक्ति को फांसी दी गई आधी रात में कोर्ट खुला तो उसमें नाम किसका आया? एमनेस्टी। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सैनिकों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई, रेप की और उनके ऊपर अत्याचारों की कश्मीरियों के ऊपर, किसका नाम आया? एमनेस्टी। ठीक, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां एमनेस्टी का नाम आया। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, इसके बाद इसकी फंडिंग पर आपकी नज़र रखी जाने लगी और पूछा कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है। तो इसको फंड विदेशों से ज़्यादा मिल रहा था, इसके ऊपर लगाम कस दी गई, बोले जो फंड तुमने लिया उसको दिखाओ कहाँ कहाँ खर्च किया। उसके बाद इसके हेड थे आकाश चोपड़ा नाम था शायद, नहीं आकार पटेल, वो चुपचाप यूएसए निकल ली। उसके बाद से बोरी अब इस तरह इसका खत्म। ऐसी एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है ग्रीन पीस, वो पर्यावरण के मामलों में आपका काम करता है। ये भाई आपका ग्रीन पीस है, जब कुड़न कुलन में 2011 में आपका परमाणु बिजली घर शुरू हुआ रसिया के सहयोग से, तो बहुत तगड़ा आंदोलन चला, इसी का नाम आया। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चल रहा था मेधा पाटकर की अध्यक्षता में, उसमें भी ग्रीन पीस का नाम था। फिलहाल में वो भी ख़त्म है, उसकी फंडिंग पे लगाम लगा दी गई। एनजीओ जो फंडिंग दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तुमने खर्च कहाँ किया है। सरकार एनजीओ को ऑडिट कर सकती है, उनको जो पैसा मिला उसकी ऑडिट, आपके ऑडिट करने का अधिकार सरकार को, बताना पड़ेगा कहाँ खर्च किया, उसका अकाउंट रखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ होते हैं, उन्हीं प्रकार के एनजीओ कौन है आपका प्रथम। तो इसके लिए क्या मिला है आपका इस बार का इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो लिखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निशस्त्रीकरण व विकास के क्षेत्रों में दिया जाता है, के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। शांति निशस्त्रीकरण व विकास के क्षेत्रों में, विकास के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अगला डालिए नोट, नोट में लिखिए असर नामक, असर नामक वार्षिक सर्वे 2005 से प्रथम द्वारा ही किया जाता है। असर नामक वार्षिक सर्वे सर्वेक्षण प्रथम द्वारा ही किया जाता है। असर की फुल फॉर्म एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। जो असर है इसकी हिंदी में याद करोगे तो घपला खा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तो उसको इंग्लिश में ही याद करिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म वो किससे है, इंग्लिश के लेटर को उठाकर ही तो बनाएगी ये सर, इसलिए बस इतना याद रखना है कि असर किससे संबंधित है, एजुकेशन के स्तर को मापने के लिए। कैसी है, एनुअल है या फिर आपकी बाई एनुअल है या फिर वार्षिक है, छह वार्षिक है, कैसे है? तो एनुअल है, ये वर्ष में एक बार, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी रिपोर्ट को दे देंगे ये आपकी एनुअल है, बाई एनुअल है, ठीक, या मंथली है या सिक्स मंथली है, इस तरीके से। ठीक है, अगला नेक्स्ट आप गांधी मंडेला अवार्ड, अगला अवार्ड है ये नेक्स्ट। तो दलाई लामा थे, उन्हीं को मिला है फिलहाल ये गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला पुरस्कार। मंडेला कौन? नेल्सन मंडेला। कौन थे ये? अफ्रीका जब आपका लगातार रंग भेद का शिकार रहा, नस्ल भेद और रंग भेद, ठीक, जैसे इंडिया में जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है इसको भी ब्रिटिश ने गुलाम बनाया,
ये ब्रिटिश का पार्ट रहा इंडिया की तरह। 1947 में इंडिया से सारे ब्रिटिश चले गए, यानी उनका कोई भी पार्ट यहाँ पर नहीं बचा, वो सरकारें भागीदार नहीं रही, यानी पूरी जनसंख्या उनके यहाँ से मूव कर गई। उनको दिख गया कि भारत में पहले जनसंख्या बहुत है तो हमारे लिए स्कोप ही नहीं बचेगा, तो समझदारी से काम लिया, निकल लिए यहाँ से। लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे जो आपके ब्रिटिश आके रह बसे तो उनकी संतानें वहीं रहने लगी और स्वतंत्र होने के बाद वो उसी सिस्टम का पार्ट हो गए। तो अब वहाँ पर दो तरीके के लोग हो गए, एक वहाँ के जो ऑलरेडी पहले से थे जिनको ब्लैक बोलते हैं यानी काले अफ्रीकन, और दूसरे आपके गोरे अफ्रीकन जो किसकी संतानें थे, ब्रिटिश से आए हुए लोगों की संतानें। ठीक, अब वो कहाँ के नागरिक हो गए, साउथ अफ्रीका के। ब्रिटिश में तो उनके फोर फादर आए थे, किसी के दादाजी आए, किसी के पिताजी आए, किसी की मम्मी आए, किसी कोई और आया। ठीक, अब दो तरह की संतान हो गई। अब जाहिर सी बात है तो आपके काले और गोरे हैं तो दोनों प्यार भी हो सकता है, हो सकता है मम्मी काली हो पिताजी गोरे हो, इसका उल्टा भी हो सकता है, मम्मी गोरी पिताजी काले या मम्मी काली पिताजी गोरे, तो उनकी संतानें पैदा होंगी। अब वो किस कैटेगरी में आए, गोरे या काले, बताइए। तो उनके लिए आपका रंग होगा इंडियंस की तरह, हाँ जी, तो उनको बोला गया मुलेटो कलर, हालांकि वो डाले जाएंगे किसमें, कलर्ड पीपल। तो दुनिया में दो तरह के पीपल है, कलर्ड और वाइट। ब्रिटिश यूरोपियन की नजर में दो ही तरह के पीपल है, दो ही तरीके के लोग हैं, कलर्ड एंड वाइट, श्वेत और रंगीन। रंग में सब आ जाते हैं, ब्रिटिश भी कलर्ड पीपल है, वाइट में कौन है, यूरोपियन है जो टोटली वाइट है। ठीक, बाकी सब काले हैं, कम काले हैं, ज्यादा काले हैं, वो सब आपके किस में आ गए, सब कलर्ड पीपल में आ गए। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, अब आपस में क्या हुआ, वहां पर सत्ता पर किसका ना, आपका जो सत्ता है, पावर है और इसके अलावा पैसा है, वो ज्यादा किसके हाथ में था, ब्रिटिश ओरिजिन के अफ्रीकन के हाथ में, जो गोरे लोग थे वाइट। अब जाहिर सी बात है जब आपके कोई एक मुट्ठी भर लोग सत्ता पर अधिकार कर लेंगे तो दूसरे जो लोग हैं उनको आगे निकलने की कोशिश नहीं करने देते। तो यहीं से शुरुआत हुई रंग भेद की, ठीक, या नस्ल भेद की। तो नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और अपनी जिंदगी के 26 साल वो लगातार जेल में रहे, और जेल से जब रिहा हुए तो सीधे राष्ट्रपति बने, जेल से निकलते ही सीधे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि ऑफिशियली रंगभेद की समाप्ति हुई अफ्रीका में। अब हुआ कैसे, अलग अलग देश थे जो, इवन इंडिया भी, उसने अफ्रीका की सरकार को प्रतिबंध लगा दिए कि जब तक अपने यहाँ पर ही पॉलिसी नहीं बदलोगे, समानता वाली पॉलिसी लेके नहीं आओगे, तब तक हम तुम्हारे साथ व्यापारी नहीं करेंगे। अब कोई देश कितना भी आपका 30 मार कहाँ हो, 5-10 साल जब वो सेंक्शन में रहता है ना, सब तरीके से आप कटे फटे रहते हैं, तो उसको अकल आ जाती है। ठीक, हो सकता है विपत्ति के टाइम पर कोई तुम्हारा समर्थन करने वाला नहीं, पता लगा तुम्हारे अकाल पड़ेगा, जनता भूखी मर रही है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। तो हमें क्या है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज की जरूरत है ही है, कितना भी कह ले आई एम लॉयल, लेकिन इसको क्या हो, जब कुत्ते आपको घेरेंगे तो दूसरे शेर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, 10 कुत्ते मिलकर आपके एक शेर को मार सकते हैं, पता ही बात, जंगली कुत्ते बहुत लकड़ होते हैं, बहुत खतरनाक, और लकड़बग्गे उससे भी ज्यादा, 5 लकड़बग्गे शेर का शिकार कर सकते हैं मिलके, और किसी को भी मार सकते हैं लकड़बग्गे। दूसरी बात, उनकी घेराबंदी बहुत तगड़ी होती है, ग्रुप में चलते हैं 30-40-50 के 20-20 के, जंगल में किसी का असली में जो राजा है तो वास्तव में वो लकड़बग्गे और जंगली कुत्ते हैं, आपस में दोनों कभी कभी टकरा जाते हैं, कई बार नजरें बचा के निकल जाते हैं, बोले तुम भी ग्रुप में हम भी बुकर में, एक बार करते तुम इधर निकलो हम इधर निकले, सहमति से इधर उधर निकल जाते, कई बार टकरा भी जाते हैं। लकड़बग्गों की जो घेराबंदी होती है तगड़ी होती है, अगर मान ली कोई पेड़ पे चढ़ गया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार करेंगे, साला कभी तो उतरेगा, इतने खतरनाक होते हैं। दूसरा, अब 15-20 है, 5 आराम करेंगे, 10 आपके क्या करेंगे, घेराबंदी करेंगे, तो आपकी शिफ्टिंग चलती है बाकायदा, तो उनसे कैसे जीत जाओगे, ठीक है, खतरनाक तरीके से। तो ऐसे ही क्या हुआ, आपका जो अफ्रीका के सारे सैंक्शंस लगे, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे, जैसे ईरान पर लगे हुए हैं फिलहाल, जैसे ये रसिया पर लगा दिए गए फिलहाल, तो उसकी इकोनॉमी धराशायी होने लगी। तो फाइनली 1996 मेरे ख्याल से शायद, तो रंगभेद की नीति की समाप्ति हो गई अफ्रीका में। उसी के बाद अफ्रीका में आरक्षण लागू हुआ,
अफ्रीका की क्रिकेट टीम में तक आरक्षण लागू है, 5 काले और 6 गोरे खेलेंगे, कभी देख लेना उसके अंदर ये रेशियो हमेशा बना रहता है, ऑलवेज कभी देख लीजिए आप, ये रेशियो गड़बड़ नहीं होगा। इवन क्रिकेट टीम में तक लागू है, वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट टीम में नहीं, सारी टीमों में जितनी भी आपके गेम्स हैं, प्रशासन में लागू है, संपत्ति में लागू है, टेंडर में लागू है, ठेकेदारी में। 5 ठेके हैं तो 3 गोरों को मिलेंगे, 2 कालों को मिलेंगे, ठीक इस तरीके से, मतलब हर चीज़ के अंदर आरक्षण दे रखा है, बात क्लियर। तो नेल्सन मंडेला और आपके, नेल्सन मंडेला को माना जाता है आपके वो महात्मा गांधी के असली उत्तराधिकारी थे, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, क्या चलाया भाई, सत्याग्रह, ठीक। तो उन्हीं के सम्मान में, तो आपके नेल्सन मंडेला और आपके महात्मा गांधी जी के सम्मान में एक अवार्ड शुरू किया गया, आपके गांधी मंडेला अवार्ड। और इस बार का 2022 का किसे दिया गया है, दलाई लामा। कौन से दलाई लामा है फिलहाल, 14वें वाले, ठीक। तो लिखिए, दो हजार बाईस का गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। दिया गया है, लिखिए, दलाई लामा तिब्बतों के, तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु हैं। दलाई लामा इज द सुप्रीम लीडर ऑफ तिवेतन बौद्ध, तिवेतन बौद्ध। ये 14वें अवतार माने जाते हैं, 14th reincarnation, 14वें। मैंने बताया ना आपको, अवतार मानते हैं उनके लिए, जो सिलेक्शन करेंगे उसको अवतार नाम से कहेंगे, 14वें अवतार माने जाते हैं इन्हें, यानी दलाई लामा के लिए। 1989 का, यानी 1989 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। He is the recipient of, Dalai Lama is the recipient of 1989 Nobel Peace Prize. कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलता है, कब मिलता है, कौन से दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 10 दिसंबर। डिक्लेरेशन कब होता है, नवंबर के शुरू में, ठीक, अक्टूबर के लास्ट से लेकर नवंबर के शुरू तक डिक्लेरेशन हो जाता है। क्या नोबेल प्राइज किसी व्यक्ति को मृत्यु उपरांत दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, जीवित प्राणियों को मिलता है, ठीक। महात्मा गांधी जी का 4 बार नॉमिनेशन हुआ शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, 3 बार उसको मिला, उनको मिला नहीं, और 4थी बार जब मिलने का आपका नंबर आया 48 में, तब तक वो रहे नहीं। तो इसलिए 1948 का नोबेल पीस प्राइज किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, उन्होंने माना कि महात्मा गांधी के कद के बराबर कोई व्यक्ति फिलहाल नहीं है, तो इसलिए उनके सम्मान में इसे छोड़ दिया गया, ठीक। उसके बाद बहुत सारे लोगों को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया, और हर व्यक्ति ने महात्मा गांधी कसम खा के पुरस्कार लिया, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे दलाई लामा हो, चाहे कोई और हो, यानी कम से कम नोबेल सिलेक्शन कमेटी ने उसके बाद जब नोबेल पीस प्राइज दिया है, शांति पुरस्कार दिया, तो महात्मा गांधी का नाम लेके दिया है। इसका मतलब यह माना जाता है कि उनको पछतावा है कि वो आपके जीवित रहते हुए महात्मा गांधी को यह पुरस्कार नहीं दे पाए, बात समझ आ गई, क्योंकि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनसे बेहतर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट दुनिया में नहीं था, ठीक। उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपका जब नेल्सन मंडेला के आपकी डेथ हो गई, उसके बाद भारत सरकार ने एक फाउंडेशन बनाया, गांधी मंडेला फाउंडेशन। वो फाउंडेशन क्या करता है, यही पुरस्कार देता है, कौन सा, गांधी मंडेला प्राइज, ठीक, किस फील्ड के लिए, ऑलवेज
जिसके लिए गांधी जी जाने जाते हैं, शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए। ये किसी भी व्यक्ति को वर्ल्ड वाइड दिया जा सकता है, बशर्ते उसने शांति के क्षेत्र में अच्छा काम किया। ठीक, लिखो फटाफट से। क्या हुआ, अगला देखें। गांधी मंडेला अवार्ड कौन देता है आपका? गांधी मंडेला फाउंडेशन। किसने बनाया है इसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा लिखने के बजाय GOI कर दिया करिए शॉर्ट में। ठीक, ये एक NGO है, ट्रस्टेड, आपका रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और साथ में क्या है, ये आपका इंटरनेशनल प्राइज है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय प्राइज नहीं है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कब से शुरू किया गया? 2019 से। 2019 में विशेष क्या था? गांधी जी का 150वां। ठीक, यानी आपका एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक, किसको दे सकते हैं? महात्मा गांधी और मंडेला के लीगेसी को आगे जो बढ़ाए, किसमें? वैश्विक शांति। शांति कैसे हो सकती है? कल्चर में इसने काम किया हो, एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम किया हो। ठीक, इसके अलावा सोशल वेलफेयर का कोई काम किया हो, सामाजिक उत्थान का काम किया हो कोई। ठीक, निशस्त्रीकरण के फील्ड में काम किया हो, तो इन सब व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो लिख लो बड़ा बच्चे इसके लिए, गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी जी की 150वीं जयंती अर्थात 2019 से शुरू किया गया, स्टार्टेड आफ्टर 150th एनिवर्सरी ऑफ एम के गांधी, दैट इज सिंस 2019। गांधी जी की 150वीं जयंती अर्थात 2019 से शुरू किया गया। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, प्रोवाइडेड बाई गांधी मंडेला फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह विश्व के, यह विश्व के उन व्यक्तित्वों को, उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जो वैश्विक शांति में योगदान देते हैं। इट अवार्डेड टू दोज पर्सनालिटीज, अवार्डेड टू दोज पर्सनालिटीज हु कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल पीस। अब ग्लोबल पीस के बहुत सारे तरीके हैं, सोशल वेलफेयर करो, कल्चर को बढ़ाओ, एनवायरनमेंट को बढ़ाओ, एजुकेशन के फील्ड में काम करो, हेल्थ केयर के फील्ड में काम करो। ठीक, स्पोर्ट्स में या इनोवेशन में, किसी फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक, यही है देखो 14वें वाले दलाई लामा, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले ही फोटो दिखाया। कैसा दिख रहा तुम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा होगा तुम लोगों के लिए, बताओ इतना कलरफुल फोटो है। अगला है टीपू सुल्तान, बहुत न्यूज में है फिलहाल, वजह है क्या, कारण है टीपू सुल्तान के न्यूज में होने का? अखबार पढ़ रहे हो ना, बताओ कौन सी वजह है? अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? समाचार पत्रों का अध्ययन नहीं करते आप? फिर अखबार पढ़ते हैं तो ये देखते हैं फ्रंट पेज पे कहाँ गड्ढा खुदा हुआ है। ठीक, इसके अलावा उसमें क्या पढ़ते हो, कहाँ साइकिल चोरी हो गई, कौन किसके साथ निकल लिया, ये इंपॉर्टेंट खबरें होंगी तुम्हारे लिए, आलिया भट्ट ने बच्चों को जन्म कब दिया, यही खबरें हैं, ये पढ़ते रहोगे तो यही पढ़ते रह जाओगे। अखबार और मैगजीन, इन सब में सबके मतलब की खबरें होती हैं। अब वो तुम्हारा टेस्ट है कि तुम कौन सा पसंद करते हो, समझ में आ गई? तो टेस्ट बदलो अपना,
जब तक टेस्ट नहीं बदलोगे तब तक क्या होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तुम खबरें पढ़ते रहोगे मसालेदार, तो एग्जाम में मसाला कहाँ से आएगा? ठीक ठीक है, परीक्षा उपयोगी मसाला लगाने के लिए आपको पहले व्यापक परीक्षा उपयोगी सामग्री पढ़नी पड़ेगी, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो पहले दूसरे पेज, पहले के बाद जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पेज होते हैं मोस्टली अखबारों के बेकार होते हैं। पहला पेज ज्यादातर पॉलिटिकल खबरों से भरा होता है, लेकिन कभी कभी उसमें इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। ठीक, लास्ट पेज ज्यादातर का जो अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है वो हमारे थोड़ा बहुत मतलब का होता है। स्पोर्ट्स वाले पर एक आपकी चलती फिरती नजर काफी है, बस ये नहीं कि कितना कितना आप बल्ले से, आप कौन से स्क्वायर लेग में खेला कि डीप कवर में खेला, कहाँ पे, पूरी खबर पढ़ के आए आप, उसकी आवश्यकता नहीं है। आईपीएल का कोई मैच नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक, पाकिस्तान क्रिकेट लीग चल रही उसका ही मैच देखे पड़े हैं, तो उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, गली मोहल्ले का क्रिकेट की प्रसारण हो रहा है टीवी पर, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं आप, तो उससे भी कुछ नहीं होना है। तो टेस्ट बदलिए अपना, चलती फिरती नजर मारो, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं देखना है, टेबल टेनिस भी देखिए, हॉकी भी देखिए, जो भी चीज़ है उसमें खबरें देख रही हैं उनको एक चलते फिरते नजर मार लीजिए। ठीक, उसके बाद संपादकीय पे जाइए, वो इम्पोर्टेंट पेज है, लेकिन हर संपादकीय पढ़ने लायक नहीं होता है। वो पता कैसे लगेगा, वो आपको जो सिलेबस याद होगा, संपादकीय देखिए आपकी जीएस के कौन से सिलेबस से मैच कर रहा है, जो एडिटोरियल है उसमें खबरें देखिए, जीएस किस पोर्शन से, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कल्चर से रिलेटेड है, या आपके कोई सोशल इशू है इसके अंदर, या पॉलिटिकल इशू है, किससे रिलेटेड है वो। अगर आपको लग रहा है किसी से रिलेटेड नहीं है, केवल आपके मसालेदार खबरें हैं, तो बस छोड़ दीजिए, ठीक है, वहां से पढ़िए। उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट पेज और होते हैं जहां पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक वाला जो पेज है उस पर नज़र मारना शुरू करिए। हालांकि इतना कॉन्फिडेंस है एक आध महीना तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन देखिए फिर भी, कई बार क्या होता है हम किसी को निहारते रहते हैं, उसी में आपका काम हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो आर्थिकी वाले पेज को निहारते रहिए बस, ठीक है, एक आध महीने बाद मोहब्बत ऐसी हो जाएगी, ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो टीपू सुल्तान आपके न्यूज में क्यों है, आपके कौन थे टीपू सुल्तान, पता है ना आपके लिए? हाँ तो बता, हिस्ट्री पढ़े हो ना? हाँ तो बताओ फिर, एक मैसूर प्रांत हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर से पहले, ब्रिटिशर से पहले, यहाँ पर एक राज्य था, मतलब मैसूर मतलब आज का कर्नाटक और आपका ऊपर वाला केरला और थोड़ा हुआ तमिलनाडु का एरिया, ठीक, कुछ आंध्र प्रदेश का पोर्शन, यानी कि आपके साउथ इंडिया में कह सकते हैं। तो मैसूर एक सिटी भी आज की डेट में, कर्नाटक में है ये, बेंगलोर के साउथ में। तो मैसूर प्रांत हुआ करता था, यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी, उनको बोलते थे बोडियार, ठीक, राजा बोडियार आज भी है। उसमें एक सैनिक था जिसका नाम था हैदर अली। वो धीरे धीरे बोडियार, जब आपकी प्रोविंस थी आपसे झगड़े हुए उसमें सत्ता को लेकर, तो वो कमजोर होता गया परिवार। हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे आर्मी का जनरल बन गया, और उसने बोडियार आपके राजा को साइड को हटाकर अपनी एक डायनेस्टी शुरू की। तो उसका लड़का था टीपू सुल्तान, हैदर अली का लड़का था, उनका नाम था टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान और हैदर अली, अब देखिए इंडिया में जब आपका यूरोपीय एक्सपेंशन कर रहे थे, तो भारत में देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाल, लेकिन वो कुछ पॉकेट तक ही सीमित रहे, यानी उनने बहुत बड़े एरिया पर कब्जा, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़े एरिया पर वो नहीं आ पाए, सेटलमेंट नहीं हुआ उनका। तो इंडिया में दो बड़ी पावर थी जिन्होंने यहाँ पर रूल करने के लिए, इंडिया को अपने कब्जे में लेने के लिए आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, वो दो बड़ी पावर कौन सी थी, ब्रिटिश और फ्रेंच, बात समझ में आ गई, ब्रिटिश और फ्रेंच। फाइनली जीता कौन, ब्रिटिश, ठीक, फ्रेंच देखो जैसे पौंडचेरी में, कराईकल में, एनाम में, इधर आपके क्या नाम है कोलकाता के बगल में भी आप कुछ टेरिटरी, चंद्रनगर जैसी जगह थी, तो ये आपकी फ्रेंच कॉलोनी थी।
अब इंडिया में जब दो राजा लड़ते थे तो एक तरफ फ्रेंच हो जाते थे और एक तरफ ब्रिटिश। अब होता क्यों था ऐसा कि फ्रेंच और ब्रिटिश की जो दुश्मनी थी वो आपकी बहुत पुरानी थी, इंग्लैंड और फ्रांस में जातिगत दुश्मनी थी लंबी, जैसे भारत पाकिस्तान जानी दुश्मन, बहुत पुरानी दुश्मनी में आपस में। देखिए ना वर्ल्ड मैप पे कहां पर है फ्रांस और ब्रिटेन, बीच में इंग्लिश चैनल है दोनों के बीच में, ठीक, अटलांटिक ओशन का पार्ट है ये, अटलांटिक महासागर का, तो उसमें लगातार युद्ध में रहते थे। वही दुश्मनी इनमें क्या चलने लगी दुनिया भर में, जहां जहां फ्रेंच और ब्रिटिश का आपस में लड़ते रहते थे। तो ब्रिटिश एम्पायर जब एक्सपेंड कर रहा था तो उसका आपका साउथ इंडिया की तरफ, तो उसका एग्रीमेंट हो किसके साथ, मराठाओं के साथ, उसका हो गया निजाम हैदराबाद उसके साथ, तो मैसूर किधर चला गया, फ्रेंच की तरफ। तो ब्रिटिश ने आपके कंधे पे बंदूक रखी आपके निजाम के और मराठाओं के और अन्य नवाब के, आपके जो और नवाब थे उस एरिया में अरकाट वगैरह के, और फ्रांस वाले राजाओं पर, सॉरी मैसूर के राजाओं पर, यानी हैदर अली कंधे पर बंदूक रख दी किसने, फ्रांस ने। बात समझ में आ गई, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो अब जो युद्ध हुए डायरेक्टली अंग्रेज सेना के और मैसूर प्रांत के, उनको बोला गया एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, चार युद्ध हुए तो कुल मिलाकर। बात समझ में आ गई। अब विवाद क्यों हुए टीपू सुल्तान को लेकर, तो कुछ लोगों का तो मानना है कि उसने ब्रिटिश को भगाने के लिए इंडिया में योगदान दिया, इसलिए वो आपका भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हुआ, अगर उस नजरिए से देखा जाए तो। एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था आपका टीपू सुल्तान वाला, थर्ड वाले मैसूर वार में आपका टीपू सुल्तान प्रभावी था ज्यादा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हैदर अली की डेथ हो गई थी, तो फोर्थ में आपका अकेला भाई था, फोर्थ में उसकी भी डेथ हो गई टीपू सुल्तान की। तो उसने कहा जाता है उसने रॉकेट लॉन्च किया, यानी जो आज के डेट में रॉकेट होता है, जो पटाखा आता है जो आपके दीपावली पर, वो वहीं से कॉन्सेप्ट आया, ऐसा माना जाता है टीपू सुल्तान। लेकिन ऐसा माना जाता है उससे पहले मराठों ने इसको यूज किया था, मराठों ने इसको चलाया था, ठीक। तो टीपू सुल्तान के ऊपर आपके सबसे बड़ी आपकी कंट्रोवर्सी ये है कि जो लेफ्ट वाले हैं वो तो उसको स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, और जो राइट विंगर हैं दक्षिणपंथी यानी आपके हिंदू कम्युनिटी वाले बीजेपी समर्थक जो मानते हैं, उनका मानना ही वॉज ए बिगॉट, बिगट मतलब वो एक धर्मांध था जिसने नाम्बियार जो आपकी कम्युनिटी है केरला की, नॉर्थ केरला में कासरगोड की तरफ, उनको मुस्लिम बनाने के लिए ऑफर दिया और नहीं माने तो उनको आपको काट दिया, उसने बहुत सारे हिंदुओं के आपके हत्याएं की धर्म परिवर्तन ना करने के कारण। उसने एक मंदिर को छोड़कर, श्रीरंगपट्टनम का एक मंदिर था उसको छोड़कर बाकी सारे मंदिर अपने प्रांत में गिरवा दिए थे, जो काम औरंगजेब ने किया साउथ नॉर्थ इंडिया में, ऐसा माना जाता है वही काम आपके टीपू सुल्तान ने किया साउथ इंडिया, ठीक। तो लेफ्ट सिर्फ इस बात पर उसको स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं कि वो आपका उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उसने कुछ आपके काम किए, फ्रांस में उसने आर्मी को अपने तरीके से बसाया, नए मॉडर्न तरीके से, बाकी सारे राजा पुराने तरीके से लड़ते थे, अंग्रेज गोली लेकर आए भारतीय राजा तलवार चला रहे तलवार लहरा उधर में आपकी गोली पार कर गई, इसलिए आपके मारे थे, ठीक। तो अपने इंडिया में हम लोग एडेप्ट नहीं कर पाए, नए राजा हमारे जो पुराने राजा थे वो नए तौर तरीकों के युद्ध लड़ने की कला को नहीं एक्सेप्ट कर पाए, टीपू सुल्तान ने नहीं किया। हैदर अली ने फ्रांस जो आपके नागरिक थे वो फ्रांस जनरल वगैरह थे, फ्रेंच के जो युद्ध कला में माहिर लोग थे उनको अपनी सेना में शामिल किया, युद्ध कला में निपुण बनाए अपने सैनिकों को, ताकि ब्रिटिश से तभी तो लड़ पाएंगे मॉडर्न तरीके से, ठीक, नए तरीके से शस्त्र आपके गठित किए, उसी में से रॉकेट आता है, यहाँ से गोला फेंको उधर जाके आपके इस तरीके से जाके गिरे दूसरे पर जाके आग लग जाए उस एरिया में, रॉकेट का मतलब आज वाले रॉकेट नहीं थे वो उसी टाइप के थे, बस तो प्रेशर के साथ यहाँ से चला जाए सामने वाले गोली में आग लग जाए जाके टेंट में और उसके खेमे में जाके। अस्त्र शस्त्र दोनों में आपके बारीक फर्क है, बस एक जो फेंक कर चलाया जाए वो और जो हाथ में ही रहे वो शस्त्र, बस जैसे फरसा क्या है तलवार क्या है, ठीक, बंदूक और धनुष बाण क्या है, यही फर्क, ठीक है। शस्त्रागार आपने शब्द सुना होगा, एक अस्त्रागार शब्द आता था, शस्त्रागार मतलब शस्त्र रखे जाते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसमें हुआ क्या, तो टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को गठित किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रेंच मॉडल पर,
और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, इसलिए लेफ्ट वाले मानते वो स्वतंत्रता सेनानी हो बाप के, जबकि दूसरी तरफ उसने जो आपके अत्याचार की वहाँ की जनता पर उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। राइट विंगर इसी को प्रमुखता से उठाते हैं, वो स्वतंत्रता के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो आपकी दूसरी तरफ अगर अंग्रेजों से जीत भी जाता तो उस पर अल्टीमेटली कब्जा कौन कर लेता? फ्रेंच। ठीक, सब कुछ तो उसकी सेना भाई भरे हुए थे, अल्टीमेटली अपने देश को प्रेफरेंस ज्यादा प्रमुखता देते, तो गुलाम तो अल्टीमेटली होना था, और दूसरा समझो अत्याचार किए बाकी अपने यहाँ की बहुसंख्यक जनता जनता पर, तो उसको कौन कंसीडर करेगा? इसी बात पर उसको मान लेते हैं कि आपके धर्मांध व्यक्ति मान लेते हैं, तो यही विवाद है। अब जब कांग्रेस की सरकार थी आपकी पहले, येदुरप्पा सरकार से पहले, तो उसने टीपू सुल्तान की स्वतंत्र आपकी जयंती मनाने की घोषणा की। इसी बात पर कर्नाटक जल उठा, कुछ लोग समर्थन में कुछ लोग अगेंस्ट, विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, दंगे भी फैले। फिलहाल आपका यही विवाद है। अब वहाँ के जो लेफ्ट लेफ्ट विंगर्स हैं, वामपंथी है, उन्होंने आपके टीपू सुल्तान की आपका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। राइट विंगर ने जहाँ जहाँ पर लेफ्टिस्ट बैठे तो उनको जाकर कूट दिया। ठीक, तो सारा विवाद यहीं से शुरू हो गया। वामपंथियों के दिन वैसे अच्छे नहीं चल रहे आजकल भारत में, कोई मार के चला जा रहा है। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से चलिए। टीपू सुल्तान, हाल ही में टीपू सुल्तान की जयंती कर्नाटक में मनाई गई। रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ टीपू सुल्तान सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका। जो विवाद का कारण बना, विच बिकम कंट्रोवर्सी। एक लेफ्ट विंगर्स कंसीडर टीपू सुल्तान एज फर्स्ट, लेफ्ट विंगर कंसीडर टीपू सुल्तान एज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। वामपंथी और मुस्लिम्स दोनों इसमें शामिल होंगे। कंसीडर्स टीपू सुल्तान एज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। वामपंथी टीपू सुल्तान को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जबकि दक्षिणपंथी उसे इस्लामिक धर्मांध व्यक्ति मानते हैं, उसे एंटी कन्नड़ और एंटी हिंदू भी कहा जाता है। इसीलिए एंटी कन्नड़ इसलिए क्योंकि उसने वहां पर अरबी और फारसी को प्रोत्साहन दिया, कर्नाटक की जो कन्नड़ा लैंग्वेज है उसकी जगह पर, जबकि दक्षिणपंथी उसे इस्लामिक धर्मांध व्यक्ति मानते हैं या मुस्लिम धर्मांध व्यक्ति मानते हैं। अगला लिखिए, वह देवाना हल्ली, वह देवाना हल्ली मैं 1750 में जन्मा। टीपू सुल्तान बॉम में देवाना हल्ली, देवाना हल्ली मतलब आपके जो प्रेजेंट बेंगलोर है वो, इन 1750 मैं हैदर अली का बेटा था। वह हैदर अली का बेटा था जिसने मैसूर राज्य में मैसूर राज्य के बोडेयार हिंदू राजा को हिंदू राजा से सत्ता छीनी थी।
हैदर अली स्वेप्ट मैसूर किंगडम फ्रॉम बोडिया हिंदू रूलर्स, जिसने वह हैदर अली से, हैदर अली का बेटा था जिसने मैसूर के हिंदू बोडिया राजा को हराकर नहीं बेसिकली धोखे से पहले उनका विश्वास पात्र बना और फिर उनको किनारे कर दिया। हिंदू बोडिया राजा से सत्ता छीनी थी। ये स्वैप्ट मैसूर किंगडम फ्रॉम हिंदू बोडिया फैमिली। अगला लिखिए। वामपंथी मतलब कि आपका जो किसी भी प्रकार के, वैसे तो घोषित तौर पर आप वामपंथी वो होते हैं जो फिलोसफिकली देखा जाए तो, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं फिलोसफिकली देखा जाए तो। ठीक, वामपंथी चाहते हैं आपकी जितनी भी संपत्ति सब पे समाज का हक है, कोई धर्म नहीं होगा, धर्म को अफीम मानते हैं, कोई वर्ग भेद नहीं होगा, ठीक, कोई रिच नहीं होगा, यानी जितनी भी संपत्ति होगी सब आपकी किसकी होगी, राज्य की होगी, सब राज्य की होगी, केवल काम करो। वामपंथियों की विभिन्न भिन्न ब्रांचें हैं, इसी में एक माओवादी है, मार्क्सवादी, इसी में एक मार्क्सवादी है, कार्ल मार्क्स को वामपंथ का जनक कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट का, बात क्लियर। कार्ल मार्क्स को आपने सुना होगा सबके लिए, हालांकि इनकी कथनी और करनी में घोषित तौर पर फिलहाल बहुत अंतर है, इसलिए तो इंडिया में वामपंथ आपका स्वतंत्र नहीं है, कोई विचारधारा है वो आपकी तब तक चलती है जब तक उसको फंडिंग होती रहे, जो फंड करेगा वो विचारधारा उसी की हो जाती है। ठीक, तो वामपंथियों के फिलहाल आपकी विचारधारा किससे मिलती है, वो आपके ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे खड़े होते हुए एंटी इंडिया कैंपेन में, एंटी हिंदू कैंपेन में मोस्टली टाइम, क्योंकि उनको फंडिंग का सोर्स कहीं और से है। कोई विचारधारा तभी तक जिंदा रहेगी तो फंडिंग होती रहेगी, कोई कब तक बोलेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो कब तक बोलेगा, सभी को रोजी रोटी चलानी चलानी है। ठीक, इसलिए चलिए इसके इस पर कभी आगे डिस्कशन। नेक्स्ट देखिए, फोटो दिख रहा है बगल में, यही हैदर अली था, हालांकि ये आपका असली फोटो नहीं है। हाँ जी, असली फोटो में आपके लेके नहीं आया, क्या फायदा आपके जो एक मन में जो बैठी हुई है धारणा वो खत्म हो जाए। अकबर का, मुगल पीरियड का और आपके टीपू सुल्तान का असली फोटो देख लिया तो आप कहेंगे हाँ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, आपकी इमेज जो मन में बनी हुई वो आपकी खत्म हो जाएगी। असली फोटो गूगल पे सर्च कर लेना एक बार, ठीक है, टीपू सुल्तान की भी, अकबर की भी, सबकी भी। अकबर के बारे में देखिए, आपने देखा वो जोधा अकबर मूवी वगैरह चली थी, उसमें ऋतिक रोशन को जैसे हैंडसम आदमी को बनाया गया, वास्तव में अकबर बहुत नाटा था, एक सर सर झुकाता था, एक पैर से लंगड़ाता था हल्का सा, और नाटा सा था, नोक आपकी नाक थी पकौड़े जैसी थी एकदम आपके रखी हुई। ठीक है, असली फोटो उसका ये था, ठीक, बीच में से यहाँ से नाक गायब थी। ठीक, मंगोला वाला वही सीन सेम, मम्मी उसकी यहाँ पर होगी, इंडियन होगी, तो इंडियन और मंगोल दोनों मिलेंगे तो सोचिए कैसे हाइब्रिड संतान पैदा होगी। ठीक है, अगर आपके जीन अलग अलग वाले दोनों एक्सट्रीम फीचर आ गए तो और आपके खतरनाक आपके बीज बनेगा जाके। ठीक, तो इसी प्रकार से आपका जो अकबर था वो इसी टाइप का दिखता था। ठीक, ऐसे ही हैदर अली था, रंग बहुत काला, चार बाल दाढ़ी में, ठीक, आंखें भी थोड़ी इसी टाइप की, तो इमेज एक बार डाल लेना गूगल पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए एक हुआ था श्रीरंगपट्टनम, आपने सुना होगा फोर्ट्रेस ऑफ श्रीरंगपट्टनम, एक संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, इसी के अंतर्गत क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम आपका आज के डेट में तमिलनाडु में पड़ता है, क्या हुआ था, क्या असली फोटो, ठीक है, बस हाँ बस बस यही असली फोटो, ठीक है, ठीक है, होता ना हमारे मन में बहुत सारी इमेजेज होती हैं तो वो ध्वस्त हो जाए, कई बार तकलीफ होती है, इसलिए मैं लेकर नहीं आया, ठीक है बनी बनाइए। ठीक है, चलिए देख नेक्स्ट लिख लीजिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 श्रीरंगपट्टनम में हुई।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। ही डाइड इन श्रीरंगपट्टनम 1799। कौन सा युद्ध? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध। चलो तीन दो खबरें और बची हैं, फटाफट फटाफट लिखो अगला। इस वीक की फिर करंट अफेयर काफी हद तक हो जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और बची होंगी चार छह। अगला है देखो मैरी थार्प, मैरी थार्प के बारे में बाद में जानेंगे। पहले ये फोटो दिख रहा है आपके लिए, पीछे वाला देखो, ये नहीं दिखना है ये ठीक दिख रहा है ये क्लियर? किसका दिख रहा है, कौन सा मैप है ये? तो लोग क्लियर कम दिख रहा है, इतना अच्छा फोटो में लेके आए तो ये प्रोजेक्टर को सत्यानाश कर देता है। ये अफ्रीका है, गौर से देखो, पता लग रहा है कि नहीं? ये इंडिया है, बीच में पूंछ लटक रही है इसकी, श्रीलंका नीचे ठीक। ये आपका स्पेन पुर्तगाल है, ये बीच में ये बिंदु दिख रहे हैं दो तीन, ये ब्रिटेन और आयरलैंड है, ये आपका फ्रांस है, ये पूरा अफ्रीका वो सॉरी एशिया है। इधर वाला ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक। इंडिया के नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन। इधर कौन सा ये वाला? ये आपका जापान रहा, ये रसिया रहा, ये चाइना रहा, ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर रहा आपके अमेरिकाज। तो इनके बीच में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन ठीक। अब इसके बीच में ये धार देखिए, ये चीज दिख रही है, ये वाला दिख रहा नहीं डार्क कलर का? ये डार्क कलर की क्या चीज है? ऐसा माना जाता है आपकी धरती ये पूरी प्लेट पर बसी हुई है। प्लेट कैसी? अंदर से है आपकी लिक्विड, सबसे पहले ठोस है बीच में, अब ठोस के ऊपर आपका चढ़ा हुआ है पानी, यानी पानी नहीं आपका मोल्टन स्टेट में आपकी रॉक्स, इसको बोलते हैं मेंटल। धरती के बारे में बता दिया ना आपको ठीक। सबसे अंदर वाली कोर है सॉलिड, उसके ऊपर कौन सी है? मेंटल। मेंटल कैसा है? सेमी लिक्विड सॉलिड स्टेट में। अब उसके ऊपर लिथोस्फीयर मिलता है, पढ़ा होगा आपने स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? वो आपका ठोस परत है जो मेंटल के ऊपर है। अब धरती चूंकि गोल है तो वो गोल फॉर्म में ही है ऐसे। अब लेकिन जो गोल फॉर्म में जो आपका लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, वो पूरा एक जैसा नहीं है, वो टुकड़ों में टूटा हुआ है। यानी अल्टीमेटली हम कहें तो देखिए, नीचे है सॉलिड ठीक, पूरी धरती नीचे सॉलिड कोर में। इसके बाद यहां पर कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। इसी को बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल नौटंकी शुरू इसकी, इसको टाइम पता है कि हो गया इसलिए। देखिए ये कौन सा है? कोर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रोन और इसको मेटल। इसके ऊपर एक आपका पतली सी पट्टी है, इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर, या इसको बोलते हैं भूपरपट्टी यानी क्रस्ट ठीक। लिथोस्फीयर थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, इसका कुछ पार्ट मेंटल का भी ले लेता है, इसलिए मैंने मेंटल आपको लिथोस्फीयर टर्म इस्तेमाल किया ठीक। अब ये जो है आपका, हमारी नजर में हो सकता है पूरा एकदम सपाट हो, लेकिन वास्तव में टुकड़ों में टूटा हुआ है। अब जो टुकड़े है ये वाले, ये इसी को बोलते हैं प्लेट। कौन सी प्लेट? इसी को बोलते हैं आपकी टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। बात समझ में आ गई? ये विवर्तनिक प्लेट। पूरी धरती पर सात बड़ी प्लेटें मानी जाती है, एक अफ्रीका की प्लेट ही अलग, एशिया वाली और आपकी यूरोप वाली एक अलग, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की अलग, नॉर्थ अमेरिका की अलग, साउथ अमेरिका की अलग, ऑस्ट्रेलिया की अलग और आपकी पैसिफिक की अलग। अब ये प्लेट क्या कर, धरती जब घूमती है तो प्लेटों के बीच में क्या होता है? डिसबैलेंस होता है, होता है कि नहीं? अब प्लेट का आपके हो सकता है एक दूसरे टक्कर भी मारे गुस्से में, या हो सकता है दोनों दुश्मनी हो जाए तो हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे तो दूर भी हट जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं ठीक। तो जब प्लेट में आपस में दुश्मनी हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो मुंह फेर के इधर उधर चल देती है, तो ऐसी वाली सिचुएशन बनती है यहां। ये अफ्रीका वाली प्लेट इधर जा रही है और यूरोप वाली प्लेट सॉरी अमेरिका वाली प्लेट इधर जा रही है। अब दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है। अब जब गैप बढ़ेगा तो नीचे से कौन निकल के आएगा? कौन आएगा? मेंटल में कौन पड़ा हुआ है यहाँ पर रॉक, और कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। इसी को बोलते हैं मैग्मा। यही मैग्मा निकल निकल के आएगा और यही यहाँ पर आगे क्या कर लेता है, एक दीवार जैसी बना लेता है, इसको बोलते हैं रिज यानी कटक ठीक। अब इसे बताया सबसे पहले किसने? इसी का जो मैप बना है वो इन्हीं मैडम ने बनाया था, मैरी थार्प इन्हीं का नाम है। और इसने धरती की बहुत बड़ी एक टेंशन सॉल्व कर दी ठीक।
कुछ लोगों का मानना था पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है और अटलांटिक ओशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। अब इतना तो है नहीं कि एक आध किलोमीटर दिल्ली बढ़ जाए, इंच इंच सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ता है साल में। ठीक, इन्होंने ही बताया कि इंडिया वाले टक्कर मार रहे हैं चाइना के लिए, इसलिए चाइना वाले नाराज हैं हम पे। ठीक है, इन्होंने ही बताया, बोले इंडिया वाली प्लेट है वो चाइना वाली प्लेट को टक्कर मार रही है। अब सोचिए धरती लड़े पड़ी तो इंडिया चाइना लड़े क्यों नहीं, दुश्मनी तो हमारे जीन में घुसी हुई है, नेचुरल है। ठीक, होना ही है, पर तो लाजमी है, इसी बात से नाराज बैठे हैं क्योंकि इंडिया वाले चाप के 2-3 इंच चाइना को अंदर घुसेड़ देते हैं हर बार, तो चाइना की जमीन कम हो रही है। अब उन्हें कौन समझाए, दिमाग से वैसी पैदल है। ठीक, ये तो नेचुरल फेनोमेना है। तो देखिए, अब ये जो फर्ज आपका जो मैप बनाया जो वर्ल्ड का प्रियंट का, वो किसने बनाया, इन्हीं मैडम ने। क्या नाम था इनका, मैरिथन। बात समझ में आ गई। ठीक, अब हुआ क्यों फिलहाल, ये अभी न्यूज में किस लिए थी, न्यूज में इसलिए थी कि आपका बॉल कैनो फटा था थोड़े दिन पहले, कौन सा, होंगा टोंगा होंगा हापाई, सुने हो कभी नाम, मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस बॉल कैनो का नाम है ये होंगा टोंगा होंगा हापाई, एक कंट्री है टोंगा, कहाँ पर है ये, इधर है ये, तांगा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड हैं, उन पैसिफिक आइलैंड को 3 नाम से जानते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक, पैसिफिक द्वीप बोलते हैं पैसिफिक महासागर में। कहाँ पर, ये रहा आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। तो यहाँ पर एक कंट्री है टोंगा, टोंगा में ज्वालामुखी फटा था और ज्वालामुखी का नाम था आपका होंगा टोंगा होंगा हापाई। ठीक, यही था पूरा इसका नाम। ये इतना ताकतवर ज्वालामुखी था, ऐसा माना जाता है 1883 में जो ज्वालामुखी के फटाका था, फटाता था क्राकाटाओ, क्राकाटाओ यहाँ पर है ये इंडोनेशिया में। ठीक, ये रहा यहाँ पर क्राकाटाओ। बोले 1883 के बाद सबसे ताकतवर ज्वालामुखी फटा 2022 में। ठीक, इतना खतरनाक माना गया है। और कहा जाता है इसने पूरे पैसिफिक ओशन की ज्योग्राफी को बदल दिया, इसलिए मैरी थार्प का जो मैप है वो न्यूज में रहा। तो लिख लो फटाफट से मैरी थार्प। लिखिए मैरी थार्प, ये अमेरिकन भूगर्भ विज्ञानी व मानचित्र विज्ञानी थी। ही वॉज अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब जो मैप बनाता हो, मैपिंग करता हो। ही वॉज अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड क्या हुआ, हाँ बताओ बताओ। अच्छा ही, अच्छा सी, ठीक है, हाँ मैडम ही है, सी वॉज, हाँ सही बात है, सी वॉज अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड कार्टोग्राफर, बह अमेरिकन भूगर्भ विज्ञानी व मानचित्र विज्ञानी थी। इन्होंने अटलांटिक महासागर का सर्वमान्य नक्शा प्रस्तुत किया, सी मेड ग्राउंड ब्रेकिंग मैप ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर। ठीक, इन्हीं के नक्शे के आधार पर देख, दो थ्योरी आई थी कॉन्टिनेंट के बारे में, आपको याद होगा, एक आई थी कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरी आई थी प्लेट टेक्टोनिक, पढ़ी थी या नहीं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है, क्या कहता है बताओ, पढ़े हो कि नहीं। इस वाले एरिया को फिट करके देखो, ये इसकी चोंच निकली हुई है, यहाँ पर चोंच टूटी हुई है, तो ऐसा माना जाता है ये एरिया पहले एक था, बाद में टूट के अलग हो गए। ठीक, ऐसे ही इंडिया वाला, ये वाला पोर्शन ही यहाँ अटैच था, और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर अटैच था, यहाँ पर घुसेड़ के देखो, इसको बोलते हैं जिक्सो फिट। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा फिट, ये वाला एरिया देखो यहाँ पर पूरा फिट हो रहा है कि नहीं, इस एरिया में
ठीक। तो ये जो एरिया है आपका फिटिंग है, इसी को बोला जाता है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि पहले महाद्वीप एक थे, एक ही महाद्वीप था पेंजिया, पढ़ा होगा आपने, वो टूट के अलग अलग बना। प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है, बोले नहीं प्लेटें हैं, प्लेटों को ऊपर है, वो आपके विस्थापित होती रहती, इसलिए महाद्वीप बने। ठीक, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए, ऊपर से ऐसा लगेगा दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपकी, वो अलग अलग बातें हैं दोनों। ठीक, ध्यान से पढ़ लेना एक बार, नहीं समझ में आया हो तो, दोनों बहुत डिफरेंट थ्योरी है, ऊपर से एक जैसी लगती है, अंदर से बहुत अलग है। अब इन दोनों थ्योरी का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आया कब, जब मैरी थार्प ने मैप बना दिया तब। अब दोनों ही थ्योरी सत्य हो गई अलग अलग फील्ड में। प्लेट टेक्टोनिक ज्यादा सत्य मानेगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक, तो लिख दीजिए इसी नक्शे के आधार पर, इन्हीं के नक्शे के आधार पर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बा विवर्तनिक सिद्धांत सिद्ध हुए ऑन द बेसिस ऑफ हर रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ हर रिसर्च। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बा विवर्तनिक सिद्धांत सफल हुए, सफल सिद्ध हुए ऑन द बेसिस ऑफ हर रिसर्च। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज प्रूव्ड, थ्योरीज प्रूव। ठीक, देखिए इसके बारे में एक बार जाके पढ़ लेना, मैं आपके स्लाइड पर देख लेना यूट्यूब पे जाके। ठीक, ये है आपके कौन सा टोंगा वोल्केनो, तो टोंगा बेल्कोन एक कंट्री मैंने आपको बता दी, छोटा सा आइलैंड है, वहां पर आपका ज्वालामुखी फटा था। ये ज्वालामुखी कहां पर था, ये है यहां पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के तिकोने वाले एरिया पर, देख लेना। ठीक, ऐसे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं इंडिया में, एक ही एक्टिव वोल्केनो केवल एकमात्र, कौन सा वोल्केनो है वो इंडिया में, वो है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है आपका बैरन आइलैंड। एक और है जिसका नाम है नारकोंडम, दो एट प्रेजेंट कह सकते हैं, देर आर टू ओनली एक्टिव वोल्केनो, यानी भारत में ज्वालामुखी फिलहाल नहीं है, केवल अंडमान निकोबार रीजन को छोड़कर। लेकिन इस रीजन के चारों ओर ये पूरी बेल्ट है, यहाँ पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी का पूरा भंडार है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, या आग का बल है, या अग्नि बल है, या आग का गोला। किसके चारों ओर है ये, बीच में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन के चारों ओर है, बहुत सारे ज्वालामुखी है। ठीक, इधर वाले एरिया जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये एक बार देख लेना इसके लिए। इसके अलावा और भी जगह, कई सारे जगह पर ज्वालामुखी है, जैसे यहाँ पर भी है अफ्रीका में। ठीक, बात क्लियर। तो ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार तरीके से बांटते हैं हम लोग, तो बाद में उसको पढ़ लेना एक बार, 12th 11th वाली ज्योग्राफी में दे रखा है। ठीक, तो ये करंट अफेयर में था फिलहाल। तो नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर, मैं आपको सोर्स बता के जा रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दी कब से कब तक की पढ़ेंगे, फर्स्ट वीक मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर जो भी फर्स्ट वीक में डेट होंगी आपकी, उससे रिलेटेड खबरें होंगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, ये काम बहुत जरूरी करके जाइएगा।